परम विदुषी, मेरी बहुत सम्मानित साध्वी बहन प्रीति सुधा जी महाराज, मधु स्मृता जी महाराज, और इस जूम के माध्यम से अनेक सम्मानित साथी और सहयोगी, आज महावीर जयंती के पावन और मंगलमय अवसर पर, उसकी पूर्व संध्या पर, जिन शासन की प्रभावना को जिस रूप से आप आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से महावीर इंटरनेशनल बधाई के पात्र है। सुमन जी ने बहुत शब्दों में सुंदर महावीर इंटरनेशनल की व्याख्या की। उनके रचनात्मक कार्यों के प्रति जो वातावरण उन्होंने देश में बनाया, उसकी चर्चा करी। सुनील जी हमारे मध्य में हैं, औरंगाबाद से, वो भी एक समाज के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। सचिन शाह जो इस संस्था के आधार स्तंभ हैं नासिक में, वो भी जूम पर जुड़े हुए हैं। अनिल नाहर जी, राजेंद्र जी बाफना, संगीत बाफना, जिन्होंने हम सबको एक माला में परो दिया और आशीर्वाद देने के लिए परम विदुषी प्रतिष्ठा जी महाराज, जिनकी वाणी में एक अद्भुत आकर्षण है, तेज है, वाणी की जादूगर है, ये कह दूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं। दोनों का कंठ बड़ा कोकिला है और जिस विषय को लेती हैं, उस विषय पर मन से समाज को क्या देना है वो देती हैं। और मैंने इन दोनों साध्वियों को बहुत निकट से देखा है, बचपन से देखा है, जीवन के 50 वर्षों से इनको जानता हूं, जब ये दिल्ली में इनका पहला वर्षावास था। तो जब ऐसी विदुषी महासाध्वियों का महावीर इंटरनेशनल पर वरदहस्त हो, और इस महामारी के काल में जब सारा देश पीड़ित है, और इस वातावरण में भगवान महावीर की सत्य और अहिंसा के उपदेशों की बहुत जरूरत है, और जो विषय आपने रखा वो अभूतपूर्व विषय है, विज्ञान के साथ महावीर की तुलना और महावीर की तुलना विज्ञान के साथ। महावीर का दर्शन अभूतपूर्व दर्शन है। आज के तनाव के वातावरण में सत्य और अहिंसा और महावीर के उपदेशों की बहुत जरूरत है। जो ये महामारी इस समय फैली हुई है, नहीं तो आज सारे देश में महावीर जयंती के बहुत कार्यक्रम होते। मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मैंने महावीर जयंती के अनेक कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री के निवास और मुख्यमंत्री के निवास में लगभग मैंने 30 और 40 कार्यक्रम करे महावीर जयंती पे, एक एक और दो दो हजार आदमियों को बुलाकर। लेकिन ये पहला दूसरा साल का मौका है कि हम आज भगवान महावीर के 2620वीं जन्म जयंती जूम के माध्यम से विश्व में सत्य और अहिंसा का प्रचार हो, शांति की स्थापना हो, और जो ये महामारी का मार पड़ रही है आज देश में लोगों को, इसमें अधिक से अधिक जैन समाज और महावीर इंटरनेशनल, हमारे दिल्ली में भी हमारे साथी एस के जैन साहब, अनिल जी महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से बहुत सारे रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। पुष्प जैन का कार्यक्रम भी मैंने देखा, एस के जैन का भी देखा, सबके साथ में जुड़ा रहा। निश्चित रूप से नासिक शाखा ने आज एक सुंदर आयोजन किया है,
इस वातावरण को देखते हुए जूम के माध्यम से भगवान महावीर की जयंती निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणादायक है। और आज आपके माध्यम से मैं देश भर के लोगों से प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा कि अधिक से अधिक इस महामारी में अपने सहधर्मियों का, अपने भाइयों का, मित्रों का, दुखी लोगों को सहयोगी बने। यही महावीर इंटरनेशनल हमें सिखाता है, यही भगवान महावीर का उपदेश है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए परम विदुषी साध्वी जी को फिर मैं नमन करता हूँ, और बहन संगीता जी जिन्होंने मुझे अवसर दिया आपके साथ जुड़ने का, बात करने का, अपनी बात कहने का, मैं पुनः आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।